रमो अध्यायारम रमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थम संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्थ्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मनोवम गजिम पत्ते भोक्षा समय पाहुर निर्मो सुख की बली भंसन ओम। ज्ञानी किसको कहते हैं ये समझ लेना चाहिए। अज्ञान का लक्षण ये है कि जहां जाएगा वहां मोह राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। जिस पर्याय में जाएगा उसी को अपना मानेगा और उसी पर्याय से सारे व्यवहार करेगा। ये हमारा लड़का, ये हमारी बहू, ये हमारा व्यापार, ये हमारा काम, ये हमारी समा, बस और सब। उसको कभी मैत्री भावना नहीं होगी, सत्वेश मैत्री। उसने हमारेपन का एक संकीर्ण दायरा खींच लिया है ना, मैत्री भावना नहीं हो सकती। वो सबके बारे में नहीं सोच पाएगा, न अपना हित सोच पाएगा और न सबका हित सोच पाएगा। बस वो एक ग्रुप में एक बस उतना ही सोचेगा। भगवान को भी खुश करना चाहेगा, सजाना चाहेगा, भगवान को देख करके खुश रहने की कला नहीं सीखेगा है, अपनी परिणति को नहीं सजाएगा। भगवान को भी खुश करना, गुरुओं के पास जाए तो गुरुओं को भी खुश करना चाहेगा। अरे तुम्हें मालूम है, भगवान हो चाहे गुरु हो चाहे एक चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी हो, कल कहा था, बोलो क्या कहा था? ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए तृप्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, और उन्हें हर परिस्थिति में सुखी रहने की कला आती है। केवल फंसना नहीं, निकलना भी आता है उनको। छह खंड का साम्राज्य स्थापित किया और छह खंड के साम्राज्य को स्थापित करने में भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे और छोड़ने में 60 मिनट नहीं लगे। साम्राज्य की स्थापना में 60,000 वर्ष लगे और साम्राज्य को छोड़ने में 60 मिनट नहीं लगे। बस चल दिए, ऐसे चले मानो यहां हमारा कुछ है ही नहीं। मानो क्या नहीं है ना, वह तेल का कटोरा लेकर के सारा चक्रवर्ती का महल और वैभव देखने गया था और पीछे सैनिक था, आदेश था तो बस समझ लो अगर एक बूंद भी गिरी और गर्दन अलग कह दिया था, गर्दन अलग करना नहीं है कि समझ देना उसे कान में, हिंसा थोड़ी करनी है, समझाना है। लौट करके आए, बोलो क्या देखा? महाराज कुछ नहीं, हमको तो वो तेल का कटोरा दिख रहा था, एक बूंद भी अगर इसमें से गिरी तो गर्दन अलग होगी। जिंदगी मौत का सवाल है तो बस समझ लो आपको उतनी समय के लिए, हमको भी क्या दिखता है, अगर एक समय के लिए हमारा उपयोग गया, विकृत हुआ तो हमारी मौत है, हमको और कुछ नहीं दिखता। कैसे सरल दृष्टांतों से इस सरल तत्व को समझाया, तत्व भी सरल है
समझ भी सरल है, दृष्टांत भी सरल है, लेकिन हम सरल बन जाए, हमारा हृदय कुटिल है, हम सरल बन जाए काम हो जाएगा। अज्ञानी जहां जाएगा वहीं अपनत्व करेगा, वहीं अच्छी बुरी की कल्पना करेगा। आप अपने को देखना चाहे सबको देखना, एक समय भी एक भी पदार्थ को बिना अच्छे बुरे की कल्पना के नहीं देखते, बस बहुत अच्छी, कोई लेना देना नहीं, उद्यान बहुत अच्छा है, मशीन बहुत अच्छी। अरे अच्छा तो जब तुम्हारा चित्त हो तब अच्छा लग रहा है, और तुम्हारे चित्त में अशांति हो तो क्या अच्छा लगेगा बताओ। दुनिया को अच्छा अच्छा कहने वाला भली प्रकार से समझ ले भैया, तो इसे अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा आत्म राम, अच्छा अच्छा है, क्या लिखा, निर्मल से भी निर्मल, उत्तम से भी उत्तम। अगर विश्व में कोई अच्छा है तो सबसे अच्छा है शुद्ध आत्मा। और लोक में भी आप क्या समझते हो, जब आपका उपयोग अच्छा नहीं होता, मन अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। और मन अच्छा हो तो मन अच्छा हो तो आप कहते हो सब अच्छा लगता है, और हम कहते हैं मन अच्छा होगा तो अभी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम समझ गए आप क्या कहोगे, मन अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मन अच्छा न हो तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और हम ये कहते हैं मन अच्छा हो तो भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, अच्छा मन वह है जिस मन में आत्मा, आत्मा अच्छा लगा। और ज्ञानी कहीं भी जाएगा, किसी परिस्थिति में होगा, कोई परिणति होगी, ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं होंगे। ज्ञान का स्वभाव है राग वर्जक, अनादि काल के उसके मोह राग द्वेष जो पहले होते थे उनके प्रति उसको लगेगा ही हम क्या करते हैं। आप पहले मान लो आलू खाते थे, धन्य भाग्य जन्म ऐसे घर में लिया जहां जन्म से आलू नहीं मिले, लेकिन बहुत लोग ऐसे, सब घरों में तो ऐसा नहीं है, तो वो बचपन में खाए पिए आलू, अब खाते थे, लेकिन जिस समय प्रवचन में ही सही या सास में सही आलू में इतना दोष होता है, एक एक कणिका में इतने इतने जीव होते हैं, समझ में आया और आलू छोड़ दिए, ठीक है ना। अब आलू छोड़ने के बाद आपको ये लगेगा ये हम खाते कैसे रहे, ये क्या खाते, ये हम करते क्या रहे। ज्ञानवंत अपनी दशा कहे आप सो आप, मैं अज्ञान दशा विषय किए अनेकों पाप, ये हम करते क्या रहे। आपको अपनी वह दशा अपने आप बुरी सी लगने लगेगी, ये हम क्या करते हैं। ज्ञान होने का मतलब है सोते से जग जाना, बेहोश से होश में आ जाना। जो दृश्य आप देख रहे थे सपना, वो आपको अपने आप ही झूठा लगने लगे। अगर कोई घटना ऐसी देख रहे होंगे स्वप्न में, उलझ गए, फंस गए, जब आंख खुलेगी तो अरे कुछ नहीं, हम तो अपने कमरे में बैठे, कमरे में लेते हैं, कुछ नहीं। आपको स्वप्न में देख रहा था कोई मारने आ रहा है,
और आग चीख पड़े और जब जगे तो क्या हुआ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, सपना था। जागने का लक्षण है वो सपना झूठा सा लगने लगा। समसार नाटक में ये छंद दिया, जब जीव जागे सोवे तब समझे सपन सत्य, जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए कर, वो सपना झूठा लगने लगता। जागे कहे यह मेरो तन यह मेरी सोच, जब जाग आंख खोली ये आंख खोली तो ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा परिवार है, यह कहने लगा। और जब मरण का विचार करने लगा, अकेले जन्मे अकेले मरेंगे, कहां का पिछले जन्म का परिवार कहां है, तो इस जन्म का कहां होगा। भाई इस बात को भी तो समझ लो, जब पिछले जन्म का परिवार आपके साथ नहीं आया तो ये परिवार भी क्या करेगा आपका। जब मरण का विचार किया तो ये मेरा मेरा जो कह रहा था वो झूठा लगने लगा। और जब तत्व का विचार किया तो मरण झूठा लगने लगा, किसका मरण, मैं मृत्यु, किसका मरण, रंग उपज गई रंग मरई बंधन मोख न करई। कब जागा तो स्वप्न झूठा लगा, मरण का विचार किया तो ये सब झूठा लगा, और जब तत्व का विचार किया तो मरण झूठा लगा, तो फिर सच्चा क्या लगा। सच्चा तो सच्चा है भाई, शुद्धात्मा के अतिरिक्त सारी कल्पनाएं मिथ्या हैं, झूठी हैं। ये शब्द आया उसमें आगे पीछे छंद में, देख यहां झूठी मेरी थपना। छंद देख लेना, काया चित्र सारी में, इसी के पास है पीछे, काया चित्र सारी में कर्म पर्यंक भारी, माया की समारी सेज चादर कल्पना, सेन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, मोह की मरोर यह लोचन की ढपना। ये तो है क्या, निद्रा की अवस्था, सुषुप्त अवस्था, और जागृत अवस्था क्या है, चित्र सारी न्यारी, पर्यंक न्यारो, सेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहां झूठी मेरी थपना। मैंने जो ही झूठी बात कल्पना कर रखी मेरी, यहां झूठी मेरी थपना, मैंने मेरेपन की जो स्थापना है वो झूठी करी है कि झटकी है, बोलो, है वो मेरा कि मेरा मान लिया है। तो ज्ञानी जहां होगा कहीं भी होगा, मुंडाज कहाँ होंगे, अमुख मुंडाज कहाँ होंगे, अब हम क्या बताएं, अनियत बाकी है, होंगे कहीं जंगल की गुफा में, होंगे कहीं पर्वत की शिखर पर, होंगे कोई नदी के किनारे, होंगे कहीं, ठीक है, कहाँ होंगे बाहर से भले न देखें, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ कहीं भी होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से कपड़े पहने ये कोई फर्क नहीं की बात नहीं, लेकिन आप जो हैं वो हैं, कपड़े अलग हैं और आप अलग हैं। इन कपड़ों के पहनने से आप कुछ और हो गए हो, और दूसरे कपड़े पहनने से और कोई हो गए हो, तीसरे कपड़े पहनने से और कोई हो गए हो, ये बाल बुद्धि है, बालक मानता है। अगर वो राजकीय पोशाक पहना दो बच्चे को तो मैं राजा हो गया, सिपाही की पहना दो तो मैं सिपाही हो गया। अगर वो भी फैशन से पहनाती, संस्कार के लिए नहीं, धोती कुर्ता पहना दिया, हम पंडित जी हो गए। धोती दुपट्टा छोटा सा पहना दिया, हम पुजारी हो गए। अवसी का बेटा खा लो कुछ, अरे ऐसे नहीं, हमारे लिए पाटा लगाओ,
हमारे लिए चौकी लगा, हमारे लिए दाढ़ी लगा, हम पंडित जी हैं। ये बाल बुद्धियां हैं कि कोई समझदारी है, हम पूछ रहे हैं। तो ऐसे जहां गए और उसी धरने में डर गए, जहां गए उसी धरने में डर गए, हमारी कोई सत्ता है कि नहीं है? सत्ता तो है, लेकिन हमारी कोई श्रद्धा है कि नहीं, ये बताओ। दंसन भट्टा भट्टा, हमारी कोई श्रद्धा है कि नहीं है? यहां बैठे सुजे और वहां बैठे सुबह और वहां बैठे सुबह, ये कौन सी बात है? आज यही तो विकृति समाज में आ गई है। यहां जब भाषण देना हो तो अपनी कोई अलग शैली चलती है, और जब अपने घरों में वो अपना काम करना होता है तब वो अलग शैली चलती है। अगर हम बिना कहे, बिना नाम लिए उस बात को पूछें तो कोई भला नहीं कहेगा। जिनको आप स्वयं कर रहे हैं, और क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। जैसे अन्य दर्शनों के संबंध में एक चर्चा आई, एक व्यक्ति है, वो स्त्रियां नहा रही, वो खड़ा हो गया, उसके कपड़े उठा लाया, वो फलाना कर दिया, वो चढ़ करके देखने लगा। अच्छा कहोगे बुरा कहोगे? लेकिन जब हम नाम ले लेते सोई एकदम आ जाता पक्ष, भाई साहब वो तो लीला है, भगवान की लीला, होता है कि नहीं? ऐसे ही आप यहां कहने लगेंगे उस बात को बुरा कहेंगे, और जब घर करेंगे तो उसी बात को अच्छा क्यों करेंगे, उसको क्यों करने लगेंगे? जब आप वहां क्या कह रहे थे? हम आपसे कहते हैं यहां आकर के आया खड़ा हो जाए, हम कह रहे सबको लिया आमंत्रण है, कोई प्री वेडिंग को अच्छा कह दे। ये प्री वेडिंग चल गई है, इन लोगों ने चलाई, ये मन चले लोगों ने, जो बहुत ज्यादा अपने को ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हम ये पूछते हैं यहां करके कोई कहेगा प्री वेडिंग अच्छी है? कोई नहीं कहेगा। अरे साहब ये तो अमेरिका थोड़े ही, ये हिंदुस्तान है, हम लोग जैन है, हमारे यहां सील की मर्यादा है, क्या कहेंगे आप? और जब अपने नंबर आएगा तो क्या करें? वो लड़के लड़की मानते नहीं। हम आपसे बहुत सहमत हैं, आपने इतना लायक बना दिया, वो नहीं मानते आपको, तो हम क्या करें? इसमें भी आपका ही दोष है। आपने वो शिक्षा क्यों दिलाई कि माता पिता को मत मानो, कुछ मत मानो, भगवान भी कहें तो नहीं मानना है? ये शिक्षा क्यों नहीं दिलाई? माता पिता सर्वोपरि है हमारे पारिवारिक कुटुंब में, देव गुरु सर्वोपरि है हमारे मोक्ष मार्ग में, ये शिक्षा क्यों नहीं दी आपने अपने बच्चे को? आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में सीधे पढ़ा रहे हैं, ये शास्त्र भी पढ़ न पाए, पढ़े तो अनुवाद के शब्दों को पढ़ेगा, ओरिजिनल नहीं पढ़ पाएगा। संस्कृत प्राकृत की बात तो दूर, हिंदी नहीं पढ़ा रहे। अगर इंग्लिश में कमजोर है तो अलग से कोचिंग लगा देंगे, हम कह रहे अलग से ही लगा दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर में हिंदी की महिमा हो तब तो आज लगाओगे, नहीं तो क्या लगाओगे आप? यहां आकर के कोई नहीं कहेगा रात्रि भोजन अच्छा है, और वहां जाकर के क्या करें? वो बनती नहीं है। तो यहां की और वहां की ये अंतर क्यों आ गया, ये बताओ? ये अज्ञानीपना है, ये है अज्ञान। अज्ञान समझता नहीं और अभिमान समझने नहीं देता, इस बात को गांठ बांध लेना। अभिमानी व्यक्ति कहीं और कुछ भी नहीं सीख सकता, सिखाने वाला हार जाएगा। लेकिन वो हारने की बात ही नहीं, उस सिखाने वाला ज्ञानी उसके जीवन में हार जीत के शब्द ही नहीं है। अगर तुमने मान ली तो हम जीत गए, ऐसा नहीं है। नहीं मानी हमें क्या फर्क पड़ता है? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, जो यहां है वही वहां है, वही घर पर है, वही व्यापार में है।
एक रूप है कि अनेक रूप? कपड़े बदलने के साथ हमारा रूप तो नहीं बदल जाएगा, स्थान बदलने से हमारे रूप तो नहीं बदल जाएंगे। वो रूप अलग है और ये रूप अलग है, ये क्या मतलब है? बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। अच्छा का मतलब समझ गए? सबके लिए अच्छा है, सब जगह अच्छा है। आपको मालूम होना चाहिए, विदेश वाले शाकाहार को अपना रहे अब, और हमें ऐसा लगता है अगर यही हालत रही तो शाकाहार भी विदेश से यहां आएगा हिंदुस्तान, और यहां कहने कितनी तर्कें हमारे नेता लोग और हमारे क्या कहें अब, कितनी तर्कें मांसाहार के पक्ष में और कितनी बातें मांसाहार के पक्ष में हो रही, और विदेश वाले शाकाहार को अपना रहे। अरे भाई अच्छा है वह सब जगह अच्छा है, पाप अमेरिका में भी दुख रूप है, दुख का कारण है, हिंदुस्तान में ही तो नहीं है। पाप अमेरिका में भी दुख रूप है, दुख का कारण है कि साहब वहां कुछ नहीं है, शादी वादी कुछ है ही नहीं, तो हम ये पूछते हैं उनके जीवन की दुर्दशा देखो, जीवन की दुर्दशाएं भी देखो, भयानक भयानक एड्स जैसी रोग कहां से आ गए, बोलो कहां से आ गए? ये सील का मखौल करने का फल है, ये मनमानी करने का फल है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ये कहने का फल है। कितने आत्महत्याएं होती हैं, कितने तलाक होते हैं, आप अमेरिका का अनुकरण करके क्या करना चाहते हो हिंदुस्तान, सोचो आप। हमारे बुजुर्ग लोग सम्मान से कहते भैया ये अमेरिका नहीं है, भाई थोड़ा सा स्वाभिमान जगा दिया आपका, हम आपसे कह देंगे हे भैया ये घर नहीं है, मंदिर, ये तीर्थ है, एक तीर्थ है, ये धर्म सभा है। सभा और भीड़ का पहले अंतर बताया था, पहले आए थे तब तीन दिन के लिए, सभा और भीड़ माने फालतू समूह बिना अनुशासनहीन, और सभा माने अनुशासित सभ्य लोगों का समूह। सभा में एक अनुशासन होता है, अगर अनुशासन नहीं है तो सभा नहीं होगी, ध्यान रखना। जो बात हम वहां नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते तो यहां कैसे कह रहे हैं, और यहां कह रहे तो वहां क्यों नहीं कर पाएंगे? हम आपसे सहमत हैं, बच्चे नहीं मानते, लेकिन आपके मोह की पराकाष्ठा है, बच्चे नहीं मानते तो अभी बच्चों के क्या आप मानते हो? बच्चे नहीं मानते तो आप वहां से हट क्यों नहीं आते? तो वो साहब नहीं होंगे शामिल तो अभी करेंगे, करने दो, कम से कम ये तो नहीं होगा कि आप वहां थे, आप क्या कर रहे थे? ये आपका नैतिक कर्तव्य है। बच्चे नहीं पूछते ये बच्चों की गलती है, और बुजुर्ग नहीं टोकते नहीं कहते ये बुजुर्गों की गलती, श्रावक नहीं गलती करते हैं श्रावकों की गलती है, और विद्वान अगर नहीं कहते हैं तो विद्वानों की गलती है, त्यागी नहीं कहते त्यागियों की गलती। तो साहब लड़े क्या? अरे लड़ने की बात कहां, तुम्हें लड़ाई क्यों दिख रही है? कथा की तीव्रता है तुम्हारे अंदर, हम इससे सहमत नहीं है, बस आ गया खत्म, इसमें लड़ने की क्या बात? इसका मतलब है आप सहमत हैं भीतर, भाई हम इससे सहमत नहीं, क्यों? अब क्यों मत पूछो, आ जाना बाद में बैठने की बात कर लेंगे, हम इससे सहमत नहीं है, खत्म हो गई बात। आज तो संविधान का तुम्हारा अधिकार आ गया, इनमें से हम किसी को वोट नहीं देते, किसी से सहमत नहीं है, आ जाओ दोबारा चुनाव दोबारा कर लो।
आपको भीतर रस पड़ा है, रस पड़ा है, ज्ञान का रस। कितना सुंदर शब्द लिखा है, कलश इससे पहले का कलश पड़ा था पहले दिन। ज्ञानवान स्वरस तो पियते स्यात् सर्व राग रस वर्जन सीले। ज्ञान का रस ऐसा है जिस रस के आगे सारे रस चले जाते। सर्व राग रस वर्जन सीले, जब आत्म अनुभव आवे, जब सम्यक ज्ञान आवे, तब क्या होवे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, उद्गल प्रीति न सावे, छिन्न न सुहाए, आन रस फीके, रुचि साव के लोन सो हम बैठे अपनी मौन सो। बनासी दासी का छंद है, हम बैठे अपनी मौन सो रहे अघाय, पाए निज संपत्ति को लागे निज इस बोन सो। जब बमन से कौन, बमन को कौन चाटे, बढ़िया खीर खा के आए, ये बमन को कौन चाटे, कोई कुकर होगा। छिन्न सुहाए आन रस फीके, रुच साहब की लोन सो हम बैठे अपनी मौन सो। कैसे लिखे होंगे ये, हम ये कहते कैसे, कोई कृत्रिम नहीं लिखे होंगे, कहीं देख करके नहीं लिखे होंगे, कहीं उतार करके नहीं लिखे होंगे, सहज निकला होगा। तो भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान मां, अरे ज्ञानी धर्मात्मा भक्ति भी कहीं दूसरी देख करके मत नहीं कहते, इस मुद्रा को देखते है एक त्वद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलान मां। इन विद्वानों से पूछ लो भाई यार क्या है। हाँ जबरन, अरे आम का बोर देखा और कोयल कूदने लगी, कौन ने कही थी, हे चुप रह चुप रह, चुप रह नहीं पाएगा। ऐसे इस मुद्रा को देख करके, इस पवित्र दशा को देख करके हमारा बहुमान इस भक्ति के रूप में इस फुरायमान हो रहा है। समंत भद्र जैसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान हमारे सारे व्यसन छूट गए, लेकिन एक व्यसन तो छूटता नहीं, आपकी भक्ति का व्यसन। जैसे तुम्हें उन तमाकू वाले को तमाकू के बिना चैन नहीं है, बीड़ी वाले को बीड़ी के बिना चैन नहीं है, चाय वाले को चाय के बिना चैन नहीं है, बातें करने वाले को बातें करने के बिना चैन नहीं है, चुगली करने वाले को चुगली के बिना चैन नहीं है, अपने अपने विषय है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हमें आपकी भक्ति के बिना चैन नहीं। तद भक्त देव मुखरी कोटे बनाने, क्या करें, ये भी छूटेगा, कब छूटेगा, जब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब तक सविकल्प दशा है उस प्रकार का भाव आए बिना रहता नहीं है, क्या करेंगे बोलो। अरे जब व्यापारी का व्यापार नहीं चलेगा तो क्या करेगा, दूसरे व्यापारी से ही तो बात करेगा, कहो भाई क्या हो रहा है, तो क्या भाव का है, बाजार कैसे चल रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, यही तो पूछोगे और क्या करोगे बताओ। आप पूछोगे तो पानी कैसा बरस रहा है, पानी बरसा कि नहीं बरसा, यही तो पूछोगे। अरे हम आपस में फोन करना सीखो, फोन करना सीखो, स्वाध्याय कैसा चल रहा है, आज आपके स्वाध्याय में क्या आया। आज सुनो एक एक व्यक्ति भाई साधर्मी भाई स्वाध्याय कर रहा था, स्वाध्याय करके करके उठा और उसने फोन लगाया, क्यों फोन कैसे लगा, अरे आज हम स्वाध्याय कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात आई आपको बता दें, इसी फोन लगा, काम कुछ नहीं था। साधकों का दर्शन, आराधकों का दर्शन, आराधकों की सेवा विनय भैयावृत्ति, ये साधना आराधना सीखने की चीज है, सीखना है।
इन भगवंतों का दर्शन मोक्ष मार्ग सीखने के लिए है, भूले हुए शुद्धात्मा को पहचानने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। बराबर इस बात को बिल्कुल गांठ रखना, मेरे न चाह कछ और ही। उस दिन कह रहे थे परसों दोपहर को असमर्थ सामर्थ है, रात को शरीर में कोल और सवेरे जे बैठे कंचन वाणी काया। बादराज मुनराज, और बादराज मुनराज की सामर्थ क्या है? ये सामर्थ्य नहीं है, ये तो उसका परिणाम है। लेकिन बादराज मुनराज की सामर्थ्य क्या है? वो सेठ आया, महाराज अब गलती तो हो गई, हम कह आए राजसभा में सब लोग कह रहे थे जैनों की क्या मुनि दूसरों की भला करेंगे, वे तो कोड़ी है। हमने कह दिया झूठ बोलते हो, जैनों के मुनि कंचन वर्णी काया जैसे होते हैं, हाँ क्यों? और हमें ध्यान नहीं रहा आप विराजमान, आपके शरीर में ये कुछ थी। अब कह तो आए भैया ऐसा आवेश ठीक नहीं है जिसमें सत्य का ध्यान न रहे, अब कछु करो, ये ध्यान करो, और क्या करो। ये ध्यान करो और क्या उपाय, आप जो चांस हो कर सका तो भ्रांति है तुम्हारी, जो चांस हो कर सकते हैं तो ये बताओ। हम इस शरीर को में रोक के जानबूझ के रख रहे हैं, इसका मतलब अगर हम इसका अभाव कर सकते होते तो पहले ही काले कर लेते, एक बात। दूसरा, हम इसका अभाव क्यों सोचें, हम इसमें अनिष्ट की कल्पना करें क्यों करें? भाई इसका परिणमन है, जैसे वो परिणमन है ऐसे ये परिणमन है। हम तो वेद ज्ञान करते हुए अपने ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए आनंदित रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं और किसी की कोई परवाह नहीं। जिसे जो कहना हो सो कहो, ये बताओ इतनी शक्ति नहीं है जो अपन रोग ठीक कर ले, कहो तुम्हें जो कहना हो। अज्ञानी का ये लक्षण है, ज्ञानी कहते हैं धन्य है। ऐसी रोग की अवस्था में भी अंतर के अतीन्द्रिय आनंद रस को पीते हैं और मानो हमें उपदेश दे रहे हैं वो आत्मन, ये बाहर के रोग तुम्हारी साधना में आनंद के बाधक, आनंद से के वेदन करने में बाधक नहीं है। ये बाहर की परिस्थितियां, बाहर की प्रतिकूलताएं जिनका आप बहाना बनाते हो, वे तुम्हारे आनंद का वेदन करने में, तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक हैं तुम्हारे विकल्प। तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक तुम्हारे दुर्विकल्प हैं, तुम्हारा मोह है, तुम्हारी कथाएं हैं, ये बाधक नहीं है। अब साहब, ए भैया अब सब लोग जाओ, हम समय करेंगे, तो आप करो, हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम कुछ रोक रहे हैं आपको, बाधक नहीं है कोई। ये लोग क्या कहेंगे, बस ये विकल्प बाधक है, अरे सामाय करने तो वहां करो, यहां बैठ के आप गद्दी पे बैठ के सामाय करने लगे, हम का पागल है क्या? हाँ पागल है। जो तुम जो स्वाधीन को पराधीन देख रहे हो, अरे मुनीश्वरों को देखो, कितनी बार उपदेश देते देते अंतर्मुख हो जाते हैं, अंतर का अनुभव कर लेते कि नहीं, बोलो। ये गुणस्थान प्रमाण चर्चा है कि नहीं है? आहार करते करते कितनी बार अनाहारी हो जाते हैं। अब वो परिणमन इतना सूक्ष्म है, इस सूर्य बुद्धियों को समझ में नहीं आता। दूसरी नीलांजना आ गई, राज्यसभा के बैठे लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन आदिसर को समझ में आ गया कि नहीं आया? समय करना है करो, कोई बाधक नहीं है। आप उनको बाधक मान रहे हो तो आप ऐसे बैठ करके अकेले में भी सामायिक नहीं कर पाओगे। जो परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है उसे कभी सामायिक नहीं होती। सामायिक उसे होती है जो परद्रव्य को अपना नहीं मानता, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करता। सामायिक ज्ञान की भवन मात्र है,
एकाग्रता लक्षण रूप है, आत्मामय है, आनंद स्वरूप सामायिक। तुमने किसको सामायिक मान लिया? सब हट जाए तो हम पर बैठ गए और सो गए आगे तो सामायिक हो गई, हमने पार कर लो, हमने सामायिक कर ली, हम 2 घंटे बैठे रहे, हम 3 घंटे बैठे रहे, अरे क्या कहें हम, इतनी देर तो बैठ जाओ, ये भी खड़े हुए थे, खड़े हो तो इस विधि से और बैठो तो इस विधि से, तुम तो बैठ जाओ एक और बैठो, मने इस कर्तव्य को छोड़ो। बैठने का मतलब है कर्तव्य को छोड़ना, तुम वहां बैठो तो जाओ, मतलब ये है कि कर्तव्य छोड़ो, सब काम हो जाएगा, अब तो जाओ। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लड़का आया क्या बात है, अरे इतने काम पड़े, अब जाओ, अब मंदिर जाओ, सब हो जाएगा। अभी 2 घंटे हैं, आप चिंता में, आप क्यों विकल्प कर रहे हो, क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो, क्यों अपना परिणाम खराब कर रहे हो, आप जाओ, आप तो मंदिर जाओ, अब तो वहां बैठो, अपना स्वाध्याय करो। तो बैठने का मतलब बैठो, शरीर में सो बैठो जाओ, बैठने का मतलब है उपयोग, बैठ जा, बाधक कौन है, ये सब बाधक है कि तुम्हारा राग बाधक है, बोलो। अरे ज्ञानी जहां है, परसों क्या कहा था, सुदर्शन सेठ रानी के पलंग पर ऐसे बैठा दिया उसे, नहीं बैठ गए, नहीं बैठा दिया, और तो भी वो अपने निर्विकारी है, निश्चय उनको आनंद का वेदन करना आता है, उनको विरक्त रहना आता है। दूसरों का दोष देखने वाले जीव कभी विरक्त नहीं हो सकते, विरक्त होता है कौन, विरक्त कौन होता है जिसे दूसरे का दोष नहीं दिखाई देता। किससे विरक्त हुआ, मोह राग द्वेष से विरक्त हुआ है, तो मोह राग द्वेष से विरक्त होने वाला जीव मोह राग द्वेष के निमित्तों से भी विरक्त हो गया, हट गया। क्या तुम्हें सामर्थ्य देखना हो महाराज, कुछ तो करो महाराज, को विकल्प नहीं आया। अब ये सेठ कह तो आया है, अब क्या करें, कभी सोचे भाई, अच्छा जाओ सोचेंगे हम, कुछ नहीं था, जाओ तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। और सवेरे कंचन वाणी काया हो गई, सामर्थ्य बिना किए योग्य हो जाना, इसका नाम सामर्थ्य। ये आपके संस्कारों की सामर्थ्य है, आपकी माँ ने ये तो नहीं कहा जाओ मंदिर जाओ पूजा करो स्वाध्याय सुन करके आना, कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, और आप आ गए और दर्शन किया, पूजा करी, स्वाध्याय किया, अब जाएंगे। ये संस्कारों का तो है, ऐसे संस्कार पड़ गए अपने आप, बच्चे को हर बात पूछनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी, तो ऐसे ये ज्ञान का सामर्थ्य क्या समझो। सेठ के द्वारा कहे हुए निवेदन को सुनकर के भी उनको एक विकल्प नहीं हुआ, अब क्या करें, अगर ये शरीर ऐसा ही रहा तो लोग क्या कहेंगे, और राजा इस सेठ को दंड देगा, इन धर्म की अप्रभावना होगी। विकल्प आया मुनिराज को, कोई विकल्प था उस समय, ये एक भी विकल्प नहीं, रोज जैसे अपने सामायिक पर बैठती, सामायिक पर बैठ, जब स्तुति का समय था स्तुति करने लगे, रोज जैसे कह दिया, ऐसी ये सुनकर के भी, आपने लौकिक जीवों के दृष्टांत सुने होंगे, वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में एक कर रहे और एक पत्र आया, उन्होंने तार या पत्र जो कुतार आया, बस उन्होंने देखा और ऐसी जेब में रख लिया, अपना करते रहे। जब बाहर निकले क्या हुआ, कि पत्नी का देहांत हो गया, मैंने कुछ बहु ही नहीं, लौकिक दृष्टि से ये महानता मानी जाती है। ऐसे ही मुनराज से ये इतना निवेदन किया, ये कहा,
और उनको कुछ नहीं। बड़े कर रही है, कठोर नहीं है, बड़े कोमल है, बड़े ईमानदार हैं अपने प्रति, बड़े निष्प्रयी हैं शरीर से, सारे जगत से निष्प्रयी हैं। जो होगा सो होगा, जो कहेगा सो कहेगा, जो ये शब्द लिखे हैं उस स्तोत्र में एक ही भाव में, जो कुछ होनो हो करो परवान वही है, जो कुछ होना हो सो हो प्रमाण है मैं, एक ही भाव स्तोत्र में लिखा है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे सो ही हो, ज्ञानी किसे कहते हैं, क्या कहें हम। ज्ञानी हुए बिना ज्ञानी को पहचानना भी कठिन है। साधुन के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण को पहचाने। जरा अपनी कथाएं पूरी नहीं हुई सोई बस अज्ञानी हो गया, और कथाएं पूरी हो गई तो ज्ञानी हो गया। बारी बा तुम्हारी ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा। हमने कहा तो ये ले आए तुरंत, एक मंगाया तो दे, दो ले आए तो उधार हो गए, और ये भूल गए तो ले नहीं पाए तो हमारे बड़े कंजूस है। ये कोई बात नहीं, बस इतनी कंजूसी और उदारता की परिभाषा रह गई। ज्ञानी हुए बिना ज्ञानी को पहचानना कठिन है, साधु के गुण साधु ही जाने। ज्ञानी की अंतरदशा को ज्ञानी ही पहचानते हैं, ज्ञानी की अंतरंग दशा का नाम ही ज्ञानी है। बहिरंग दशा औदयिक हो वो अलग प्रकार की है, किस प्रकार की कैसी है और वहां भी कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती वो अलग प्रसंग है। लेकिन अज्ञानी जहां जाएगा वहां अपनत्व करेगा, राग द्वेष कहेगा, उसका स्वभाव है रागशील। शील स्वभाव को कहते हैं, राग करने की उसकी आदत है। एक पिछली बार कहा था शायद याद हो, एक मनुष्य ने कोयल की आवाज सुनी, अरे क्या करें आवाज तो बहुत मीठी है लेकिन काली है, एक राग। पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी देखी, ओहो चांदनी तो बहुत उज्जवल है लेकिन इसमें कलंक है। गुलाब की गंध देखी, गुलाब फूल गंदगी, फूल तो सुंदर है बड़ा सुगंध अच्छी है भीनी भीनी बढ़िया, लेकिन कांटे, अगर कांटे नहीं होते तो क्या मजा, इसमें कलंक नहीं होता तो क्या अच्छा होता, कोयल काली नहीं होती तो क्या अच्छा होता। ऊपर से आकाशवाणी हुई, रे मनुष्य अगर तुझ में बुराई देखने की आदत न होती तो क्या अच्छी, अगर तुझ में दोष देखने की आदत नहीं होती तो विश्व का श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य गति सारी गतियों में श्रेष्ठ है कि नहीं, देवों से भी श्रेष्ठ मनुष्य गति है। देव गति के देव अगर संयम चाहे तो नहीं कर पाएंगे, और आप चाहोगे तो कर लोगे। मनुष्य गति देव गति से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य गति में कुछ जरा सी पूजा दान पुण्य कर करके और देव गति की कामना करते हैं वे बड़ी भारी भूल में हैं। देव गति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाने लायक हो। देव गति में भी अंश मात्र सुख नहीं है मिथ्यात्व जीव को, विचय चार दावानंद हो निरंतर दुखी। मैंने ये कोयल काली नहीं होती और चंद्रमा में कलंक नहीं होता, और क्या कहें भैया ये सोना बढ़िया चमकदार है, जरा सुगंध और होती तो बढ़िया थी। तेरी शकल सुंदर है, तेरी अकल सुंदर है, तेरा सब काम है, जरा गुण ग्राहकता होती तो क्या पूछना। सोचो विचार तो करो भाई। ज्ञानी अज्ञानी जहां होगा वहीं अपना डेरा जमा रहे, वहीं अपना तो करेगा।
पहले वो घिरेगा और फिर घिर जाएगा। ये अज्ञानी का लक्षण है, पहले घिरे और फिर घिर जाएगा। पहले कर्म बांधे, अब कर्म को रो रहा है। पहले तो कर्म बांधे थे, तूने हंस हंस करके बांधे थे, उसमें तूने मायाचारी में अपनी होशियारी समझी थी, देखो। और अब उदय में आते तो अब रो रहा है। ऐसा कौन होगा पहले बांधे और फिर रो? ज्ञानी तो नहीं होगा कोई। ज्ञानी तो भाई बांधे कर्म है, उनको बड़ी समता से, बड़ी शांति से, बड़े वेद ज्ञान से भोग लेता है, जान लेता है उदय को, उदय में। तो अज्ञानी और ज्ञानी, अज्ञानी का लक्षण इस गाथा की भाषा में बोलो। अरे गाथा तुमने पढ़ी होगी, हम नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं है। अज्ञानी माने रागशील, अज्ञानी माने राग वर्जक। ज्ञानियों की जो वैराग्य भावना है उसमें क्या शब्द है? राचन योग स्वरूप न याको विरचन योग। अरे ग्रहण करने योग्य तो नहीं है, छोड़ने योग्य है। अपना मानने योग्य तो नहीं है, लेकिन अपना नहीं है ये विचार करने योग्य है। ये मानो अपना नहीं है, अपना है ये कहते कहते बहुत दिन हो गए। अब अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है ये सोचो। यहाँ झूठी मेरी थपना, यहाँ मैंने जबरन अपनी स्थापना कर बैठे। एक स्थापना निक्षेप होता है शास्त्र में, है ना? ये प्रतिमा में भगवान की स्थापना ही तो करी है। ये खेलने वाले उन गोटों में स्थापना कर लेते, ये राजा है, जब बजी है तो गो नहीं। लेकिन उस स्थापना में इस स्थापना मानता है, लेकिन उस स्थापना में भी हम नहीं जानते, वे खेल वाले लोग जानते होंगे। राजा से वजीर आ जाएगा कि वजीर से राजा आ जाएगा? कोई भी हार जाएगा तो फिर क्या होगा? हार जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ, प्यादे से राजा, प्यादे से पिट गया वजीर। विचार करो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं इस, अरे आप नहीं समझ पा रहे इसका मतलब क्या हुआ। ये सब झूठी स्थापना है। राजा से वजीर हार जाए, प्यादा हार जाए, इसका मतलब है वो राजा नहीं है, वो प्यादा नहीं है, कुछ बात और है भीतर। अरे खेल नहीं जानते, खेल का प्रयोजन तो जान रहे हम भैया, क्यों सोच रहे? विचार करो, वो माने प्यादे से बजी हर जा राजा हर जा, ये क्या मतलब है? ये झूठे हैं, ये राजा वाजा है नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे ही हम आपसे हार जाए, आप हमसे हार जाओ, इनसे हार जाओ, ये क्या है मतलब? ये सब झूठे विकल्प हैं, हार जीत की कल्पना ही झूठी है। तो जिनेन्द्र जयवंत ने अरज रहस्य भी समस्त जिनवाणी ज्ञानी होने के लिए है, समस्त जिनवाणी ज्ञानी होने के लिए है। और ज्ञानी हुआ तो सुखी हुआ, बस समझ लो, ज्ञानी हुए बिना कोई सुखी नहीं होता। और ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभवन बिना, स्वयं को ज्ञान स्वरूप जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। हजारों शास्त्र पढ़ करके, शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व अजान। ज्ञानी होने के लिए ये पर्व है, धर्मी होने के लिए ये पर्व है, सुखी होने के लिए ये पर्व है। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देतमु।